हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गगरानी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम में आ रही है, क्योंकि लोग बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर, आपके द्वारा बताई हुई जानकारी हमें अच्छी लग रही है और हम इसका महत्वपूर्ण ढंग से उपयोग करके हम पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों, तो आप भी चाहें तो आप हमारी कुछ दी गई जानकारी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से दी हुई जानकारी को आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कुछ जानकारी आपको चाहिए तो हम इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। साथ में डिस्क्लेमर है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से होती है, तो इसे ज़रा आप ध्यानपूर्वक उपयोग करें। साथ ही साथ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी हुई आने वाली जानकारी और वीडियो को आराम से देखिए। दोस्तों, हमारे यहाँ पर चैनल में वीडियो के साथ साथ प्लेलिस्ट है, जिसमें बहुत सारी वीडियो है, मोर देन 100 वीडियोज़ है, जो कि आपके बहुत सारे काम में आएगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकेंगे, और स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए कुछ अलग ढंग के पैरामीटर्स लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट रिक्वेस्ट यही रहेगी आपकी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी जाके आपका काम हो पाएगा। ये प्लेलिस्ट ये रही 100% यू विल अर्न प्रॉफिट इंट्राडे, और बहुत सारी प्लेलिस्ट है इसमें, तो आप जाकर देख पाएंगे। साथ ही साथ आप अगर हमारे साथ ज़रोदा में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो हम आपको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो दी जाती है, जिनके चार्जेस लिए जाते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, तो आप चाहें तो हमें से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप किस तरीके के पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, उसके लिए अलग अलग के टाइम फ्रेम हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटे से लेकर 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 240 मिनट यानी 6 बार 14 240 यानी 4 घंटे, जो कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ज़रोदा के प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ आप इसे डेली या वीकली के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अब हम इसे देखेंगे कि जैसे कि ये कॉपर का ट्रेडिंग पैटर्न्स है, और किस तरीके से कॉपर के ट्रेड, ये जो फ्यूचर है कॉपर का, इसने मूवमेंट दिया होगा। बट आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ अलग तरीके का है। इसके अंदर हम कुछ 2 इंडिकेटर्स के साथ साथ किस कैंडल के हिसाब से ट्रेड लेना है वो हम आपको सिखाएंगे। दोस्तों, तो मेहरबानी करना और इस वीडियो को अंत तक बने रहना, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सीखेंगे ना दोस्तों, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप अगर कुछ पैसे को लूज़ कर गए। तो इसी तरीके से अगर हम आगे चले तो फिर आज हम बात करेंगे कि मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना है, और मोमेंटम ट्रेडिंग को पकड़ने के लिए, या फिर हम कहें स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए, किस 2 इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, तो वो 2 इंडिकेटर होंगे हमारे MACD, जिसका जो पैरामीटर होगा MACD का, वो पैरामीटर हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। दोस्तों, उसके लिए हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अब हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर, या मतलब हम जैसे कहेंगे इंडिकेटर, वो होगा स्टोकास्टिक। ठीक है, स्टोकास्टिक 2 तरह के होते हैं। स्टोकास्टिक में इस नॉर्मल पीरियड्स आप ये ले सकते हैं, साथ ही साथ स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडिकेटर के लिए स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स ले सकते हैं। तो अब आप इसमें जो पीरियड चेंज करना है वो आपका होगा 5-3-3। ठीक है, देन अब इसके जो लेवल्स होंगे वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लेवल है, वो हम यहाँ पर जरा चेंज करेंगे। तो वो ओवरबॉट का लेवल होगा 80 और ओवरसोल्ड का लेवल होगा आपका 20। देन हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जरा हम इसको ऊपर खींच लेते हैं और होता क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जो लेवल था वो किस तरीके से मैनेज हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पर, अब हम इसको सिर्फ 1 घंटे के चार्ट पर लेके चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या दिखा रहा है वो हमको। ठीक है, तो अब हमें वो दिखा तो बहुत कुछ रहा है, बट हमें इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो मेन पैरामीटर से आज के हमारे इसको काम करने के। तो आज अगर हम इसे बात करेंगे तो फिर होगा क्या कि अब जब भी हमें बाइंग ट्रेड लेना है या फिर हमें कोई पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो उसमें किस तरीके से इसको काम में लेना है वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ।
ठीक है। अब इसमें साथ साथ जो आपने देखा कि इसमें जो ट्रेडिंग का जो पैरामीटर लिया गया स्टोकास्टिक में, वो आपने देखा होगा कि जैसे कि हमने देखा कि 5-3-3 है, तो अब उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक जो 10 जो एक्स्ट्रा है वो 10 डेज का मूविंग एवरेज है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही रहने दें, साथ ही साथ ये जो पीरियड फिक्स है वो 10 ही रहने दें, साथ साथ इसे डन कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें कोई इशू नहीं होगा और आप इसे आराम से इसको ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें ट्रेड का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और उस पर किस तरीके से कैंडल पर आपको ट्रेड करना होगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो आपको। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आप देख पा रहे हैं कि जो के लाइन है और डी लाइन है, दैट मीन्स के और डी, तो के लाइन इंडिकेट करती है आपके अप ट्रेंड, मतलब जब वो कार्ट के ऊपर जाती है या कार्ट के नीचे आती है तो डाउन ट्रेंड में आती है, और अप ट्रेंड होता है तो वो रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की साइड जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर ये थोड़ा फील है, तो हम इस थोड़े से फील जो ब्लॉक है इसको निकाल देते हैं, तो ये जोन हट चुके होंगे दोस्तों। अब थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इसको 1 घंटे के चार्ट पर ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ होगा और कैसे आप इसमें पैसा कमा पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, अब जब हमें ट्रेड लेना है तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये ट्रेड आपको आराम से दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये जो पैरामीटर से MACD 12-26-9 के, देखिए जब भी हिस्टोरीग्राम, इसे हिस्टोरीग्राम बोलते हैं, जब MACD के ये जब भी ऊपर की साइड चलते हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर तेजी होने की संभावना होती है। साथ ही साथ आपको करना क्या है, देखिए इस स्ट्रेटजी में होगा क्या कि जब भी कोई स्टॉक पहले से चढ़ के वापस नीचे आ रहा होगा और हम उसको यूज़ कर पाएंगे एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कि भाई गिर गया है तो क्या उसको हम वापस उठा पाएंगे, या फिर उठे हुए स्टॉक को किस तरीके से वापस कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे कि कुछ दिनों में ये स्टॉक यहाँ पर क्रॉस तो किया, देन वापस रिपीट हुआ, देन अगेन अप ट्रेंड में आया, तो उसी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं कि नीचे से मिली हुई चीज़ वापस किस तरीके से हमको फायदा कर पाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ग्रीन सर्कल्स थे और ये मूवमेंट यहाँ पे उसने पकड़ा, देन वापस रेड हो गया, देन वापस नीचे, फिर वह ऊपर ट्रेंड में आ गया। इसी तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ट्रेंड था, देन ट्रेंड वापस नीचे आया है 2-3 दिन, देन वापस अप ट्रेंड में चला गया। इस तरीके से आपको क्या करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, मेहरबानी करके अगर आपको चैनल के द्वारा बताई गई जानकारी जरा से भी काम आए तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भला होगा। तो अब जब भी इसको अगर हम वो यूटिलाइज करने का, मतलब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का रूल्स क्या होगा कि जब भी हिस्टोरीग्राम जीरो यानी अबो जीरो लाइन मिलेगा आपको और वो अप ट्रेंड इंडिकेट करेगा, देन आपको देखना होगा कि किस तरीके से आप ये अगर वापस से डिक्लाइन हो रहा है, दैट मीन्स देखिए आप यहाँ पर ये नीचे जाया फिर वापस से ऊपर उठने लगे, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान देना होगा कि ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब इसमें इसका साइज़ तो इंक्रीज हो नहीं सकता, इसलिए अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर करके दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर ये तेजी आई थी और वापस नीचे गिरी, देन अगेन वापस से ये ऊपर होना शुरू हो गया, दैट मीन्स क्या है कि ये ट्रेड इस ट्रेड में इसको जाना तो ऊपर ही था। तो अभी सेम टाइम सेम पैरामीटर पे क्या हुआ कि आप यहाँ देखेंगे कि आपका ये जो स्विंग का जो पैरामीटर था ये ऊपर चला, साथ ही साथ ये जो लाइन थी इसने भी क्रॉस कर दिया, और जो कैंडल है ये भी पहले के हाई, मतलब पहले की साइज से, देखिए आप इसको थोड़ा ऐसे देखेंगे, पहले की जो क्लोज था उससे ऊपर ही क्लोज हुई। हम कहाँ थे, हम यहाँ पर थे। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले के साइज से ये जो देखिए यहाँ से चला फिर गिरा और देन वापस अगेन, तो जब ये क्लोज हो जाएगी, और ये क्लोज आपको दिखा रहा है कि इसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हमें जो कि अपट्रेंड है क्योंकि नीचे की साइड कोई बना नहीं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये ऊपर सिग्नल दे रहा है, देन ये भी ऑलरेडी क्रॉस्ड है, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर जाएगा, और ऑब्वियस है कि 428 रुपये की चीज़ आपको 432 रुपये यानी 4 रुपये का प्रॉफिट देखी गई,
और सेम इसी तरीके से अगर हम सेल साइड ढूंढेंगे तो हम सेल साइड भी देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि अब हिस्टोरीग्राम में नीचे की साइड से इसने क्रॉस ओवर दे दिया, साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी नीचे क्रॉस हो गया, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा देर करेंगे या कम देर, वो इट्स अप टू द मोमेंट ऑफ ट्रेडिंग कैसे होगा, बट आपको स्टॉप लॉस तो वापस ऊपर के कैंडल्स पर रखना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर कोई चीज़ आपको 445 रुपये के आसपास आपने सेल करी तो वो 400-430 रुपये के आसपास ही जाके बनी, बट इसमें कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बड़े ट्रेड भी करने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अब ये ऑलरेडी इतना चढ़ चुका था, तो ऑब्वियस है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, बट ये जाएगा। तो आप देखिए कि MACD ने जैसे ही 1 घंटे के चार्ट पर इसको क्रॉस किया, देन यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट आया और यह जो आपकी लाइन है ये भी ऊपर। और आप देखिए स्टॉक किस तरीके से 457 रुपये से 465 रुपये तक कंटिन्यूस एक ही रफ्तार में भागता रहा। देन सेम आप अगर यहाँ देखेंगे मेरे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि रेड लाइन के साथ साथ जब यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर, अब आप यहाँ पर ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है वो आप देख लीजिए। ये जो नीचे लाइन बनी, साथ ही साथ उसने यहाँ पर एक क्रॉस दिया और ये सब कुछ क्रॉस यहाँ पर हो चुका है, ये देखिए इस लाइन पर। तो आप ये देखिए कि 468 रुपये की चीज़ आपको 465 रुपये मिली, साथ साथ वो रुकी नहीं और साथ ही साथ 461 रुपये तक भी चली गए, यानी आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। देखिए अब वहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर, अब ये जब ये ट्रेड था ऊपर की साइड चलना चाहिए, हिस्टोग्राम जैसे कि लाइन हम ऊपर की साइड बनी, देन यह भी अपने लेवल से, यानी कि आप देखेंगे कि इसका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट इसने रेड लाइन को काट कर ऊपर दिया था, यहाँ पर ही दे दिया था, बट हमें जो ट्रेड का जो सिग्नल और कन्फर्मेशन मिला वो यहाँ पर मिला कि अभी ये क्रॉस हो चुका है और यह ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 457 रुपये की चीज़ आपको 460 रुपये के आसपास मिली, साथ साथ ये ऊपर की साइड 462 रुपये तक है। देन सिमिलर पैरामीटर पर अब ये इतना तेज गिर गया, बट स्टॉक के जो जो दो तीन इंडिकेटर्स को जब हम अब क्लब करके चलते हैं तो उसके लिए हमें सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर रेड सिग्नल तो मिली बट जीरो लाइन के नीचे मिली क्या, तो ये देखिए जीरो लाइन के नीचे आपको यहाँ मिला और ये ट्रेड ऊपर भी चला और आपका स्टॉप लॉस भी खा गया। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, आप इसको मानेंगे तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा होगा, बट अगर आप इसको ही मानेंगे तो स्टॉप लॉस इतना छोटा स्टॉप लॉस आप ले नहीं सकते। ऑब्वियस आपको स्टॉप लॉस 460 रुपये के आसपास लेना पड़ेगा। और आप ये देखिए किस तरीके से ये मोमेंट को ट्रेड करके दिया और अभी भी ये मोमेंटम बना। अगर हम इसको 4 घंटे के चार्ट पर, यानी कि अगर हम इसको 4 घंटे के चार्ट पर ट्रेड करने की सोचे तो क्या हो सकता है, 4 घंटे के चार्ट पर किस तरह का मूवमेंट देगा। तो आप 4 घंटे के चार्ट पर ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाओगे मेरे ख्याल से। तो देखिए 4 घंटे के चार्ट पर आप देखेंगे कि नीचे जो है आराम से आप ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको लाइन ऊपर की साइड मिला और आप देखेंगे कि ये सब कुछ, ये देखिए यहाँ पर भी ये गिरा था बट ये वापस घूमा, देन यहाँ पर भी ये चीज़ नीचे की साइड आई, देन वापस से इसने तेजी पकड़ ली। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जब कोई चीज़ तेज चल रही होगी वो गिरेगी और वापस से क्या स्विंग होके ऊपर जाएगी, तो देन यस वो स्विंग हो सकती है और ये पैरामीटर्स पे वो यहाँ पर स्विंग होके ऊपर की तरफ बनी। और आप देखोगे कि 427 रुपये की कोई चीज़ चली तो कंटिन्यू चलती ही गई, ऐसा कुछ नहीं है 70 रुपये, बट इट्स अप टू यू कि कहाँ पर आपको इसको क्लोज करना है। देन अगेन आप यहाँ देख लीजिए कि अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम में यहाँ पर रेड सिग्नल दिए थे और आपने नहीं दिए, बट वापस से ये देखिए यहाँ पर रेड आया फिर ग्रीन आया। अब हमने नीचे की साइड देखना है कि क्या होगा, तो देखेंगे यस हमारे नीचे के रेड सिग्नल जैसे ही मिला हमको और ये रेड थे, बट उसने सिग्नल यहाँ जब दे दिया जब वो नीचे की साइड कंटिन्यूस बनना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि जब मुझे यहाँ कोई क्रॉस ओवर मिला 467 रुपये पे, साथ ही साथ नीचे मेरी लाइन स्टोकास्टिक की भी लाइन नीचे की साइड क्रॉस हो गई साथ ही साथ, तो देखिए आप मैं कंटिन्यूस इस ट्रेड में हूँ अगर, तो 467 रुपये से ये जो ट्रेड था ये आपको अगर आप बानेंगे तो उसी दिन, यानी कि 29/12 के दिन ही आपको लगभग शाम को 4 बजे तक 467 रुपये से ये स्टॉक आपको 461 रुपये, यानी 5-6 रुपये के आसपास आपको देके गया और फिर भी ये रुका नहीं। और अभी देखिए कंटिन्यूस अप ट्रेंड से वापस से नीचे ही मूवमेंट कर रहा है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स को यूज़ करके। तो धन्यवाद, आपको अगर कोई जानकारी समझ नहीं आए तो दोस्तों ज़रूर व्हाट्सएप पे पिंग कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा।
धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।